युहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय एक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम युहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लोहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। युहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। युहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? युहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यर्दन के पार बैतनिया में हुई, जहाँ युहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए
मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रीस्त मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख लें। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, ये सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, तू इसलिए विश्वास करता है, तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। अध्याय 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उसी ब्याह में नेवते गए थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो
तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुहां मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वो और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाए और रस्सियों का कूड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल और सर्राफों के पैसे बिठा दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था, सो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। अध्याय 3। फरीसियों में से निकुदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें
नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इसराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है कि उसके काम प्रकट हों, कि वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा, और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ
उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है वो उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अध्याय 4। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं बरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने टोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है
और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किसलिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है, कहीं यही तो मसीह नहीं है। वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से ये विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, कि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। सो वो वहां 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से कूच करके गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले। जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे
उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वो फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में जा ही रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल सातवें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। अध्याय 5। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेत हजदा कहलाता है, और उसके 5 उसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्ग दूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जान करके वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। फिर वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल। फिर उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं।
इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो ना केवल सप्त के दिन ही विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसा ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि वो मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है
उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है। तुम उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? अध्याय 6। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। जब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 थे बैठ गए, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वो भविष्य वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले
झील के किनारे गए। वे नाव पर चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव ना थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर ना चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। सो जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रबी, तू यहां कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं
उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाए और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और लोहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात कठोर है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले।
तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारहों में था उसे पकड़वाने को था। अध्याय 7। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदियों में फिरना ना चाहता था। और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से कूच करके यहूदियों में चला जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वो उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त होकर गया। सो यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे कि वो कहां है। लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने कहते थे, वह भला मनुष्य है, और कितने कहते थे, नहीं, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। और जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा कि इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम सब्त के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है कि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों
इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। तब कितने यरूशलेमी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसके मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और उससे कोई कुछ नहीं कहता। क्या संभव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वो कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वो उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? ये क्या बात है जो उसने कही, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो भविष्यद्वक्ता है। औरों ने कहा, ये मसीह है। परंतु किसी ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें ना की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर को गए। अध्याय 8।
परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करें। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने इससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं या कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे न समझे कि वह उनसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे
कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ये तो इब्राहिम ने नहीं किया था, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझमें दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया कि मुझमें दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। इब्राहिम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं
तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है, और तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। और यदि कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके ही इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। अध्याय 9। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, ये वही है। औरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थीं, वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गईं? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कई फरीसी कहने लगे, वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो सबत का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा, पापी मनुष्य कैसे ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ी। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि ये अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके माता पिता को, जिसकी आंखें खुल गई थीं, बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, अब वो क्यों कर देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम नहीं जानते हैं कि अब क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें
उसके माता पिता ने इसलिए कही कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वो सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आँखें खोली। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अध्याय 10। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वो अपनी उन भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो उनसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उसकी न सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा।
चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़िये को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुतेरे कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो कि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो उनके हाथ से निकल गया। फिर वो
यर्दन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वो सब सच था। और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। अध्याय 11। मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा के हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मर्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथरवाह करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो। अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत सी यहूदी मर्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। मर्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा।
क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मर्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है और ये समझकर कि वो कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली ये भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मर्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और ना ये कि सारी जाति नाश हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा
और न केवल इस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकट के देश में इफ्राहीम नाम एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों का फसह निकट था और बहुतेरे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। सो वे यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो, क्या वो पर्व में नहीं आएगा? और महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई ये जाने कि यीशु कहां है तो बताए कि उसे पकड़ लें। अध्याय 12। फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मर्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंकालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहां है, और वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, धन्य इसराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने, जो उस समय उसके साथ थे, ये गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो
संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा और ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया कि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि यशाया ने फिर कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया। परंतु फरीसियों के कारण वे प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि
जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता ने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। अध्याय 13। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर के पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं
उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले ये संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर सैन करके पूछा कि बता तो वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वो कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले, या ये कि कंगालों को कुछ दे। तब वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और रात्रि का समय था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहां जाता है। यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए प्राण देगा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा मुर्ग बांग न देगा। अध्याय 14। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो।
थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे क्या कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते
तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चलें। अध्याय 15। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल खाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि
तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया, और वो इसलिए हुआ जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। अध्याय 16। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, और ये वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, और मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे,
और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है। यीशु ने ये जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वो समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है, और ये भी प्रतीत की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। ये सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब प्रतीति करते हो? देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अध्याय 17। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर
जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दी, और उन्होंने उनको ग्रहण किया है और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं।
अध्याय 18। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उससे ये कहते ही कि मैं हूँ, वे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि ये वचन पूरा हुआ जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उनके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की, मैंने सभा और आराधनालयों में जब सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांध दी, और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए। और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सके। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी ना होता
तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उनसे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उनसे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि फसे में तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा डाकू था। अध्याय 19। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आ आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ कि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया
और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गपत्ता कहलाता है, और न्याय आसन पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए के, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथों सौंप दिया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उधर और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। ये दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था। और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया। परंतु कुर्ता बिन सिवन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वो खिसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोस पास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वो सब्त का दिन बड़ा दिन था। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सिपाहियों में से एक ने पर्चे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी कि उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई
के पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी होके उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर ये लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ ले जाऊं। और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसकी लोथ ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। अध्याय 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्ग दूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा
और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु बारहों में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अध्याय 21। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, वो तो प्रभु है। शमौन पतरस ने ये सुनकर कि प्रभु हैं, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर
153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना फटा। यीशु ने उससे कहा कि आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसी ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने उन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि ये ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो इससे क्या। वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती।